लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छाता नहीं संभालता, घोड़ा क्या संभालेगा। खैर भंडारी, तू सुना, तू दुबई जाके आ गया है? ये बाबू अपना भंडारी से दुबई जाकर आ गया, लेकिन तू उधर गया क्यों? साला तेरा भाऊ पे से विश्वास उठ गया था क्या? साला तेरे जैसा लोग ही उस कुत्ते को खाली फोकट का शेर बना रहे। दुबई, बैंकॉक, मलेशिया से फोन आया नहीं कि तुम लोग अपनी जान की कीमत लेके पहुंच जाते हो उधर? और इधर इधर नोट छापने का रहेगा तो तुम लोगों को भाऊ पाटिल का याद आता है। भाऊ टेंडर दिला, भाऊ ठेका दिला, लाइसेंस दिला है? अच्छा है, इधर कमाओ और उधर जाके पहुंचाओ। साला तुम चिरकुट लोग गाय का दूध निकालकर कुत्ते को पिला रहे।
तुम्हारे जैसे लोग को भाऊ पाटिल अच्छी तरह से जानता है रे। जाने दो ना भाऊ, माफ कर दो ना भाऊ, प्लीज। ठीक है ठीक है। वो क्या है कि बादशाह खान ने अपने को धमकी दिया है, बोलता है अगर तुमसे हाथ में लाएगा तो। मैं बोलता है तेरे को, भाऊ बोलता है हाथ मिला मेरे से, मिला हाथ बोला ना, अरे साला हाथ मिला मेरे से। ये बाबू भंडारी ने भाऊ पाटिल के साथ हाथ मिला है। आज के बाद भंडारी की जान भाऊ पाटिल की जान। क्या सोच रहे हैं भंडू भाई? कुछ नहीं रहता त्या, पर अपन तो सोच रहे हैं गोली के बारे में। कमाल की चीज है भंडू भाई, डॉक्टर देता है तो जिंदगी बच जाती है, और भाई लोग ने दिया साला आदमी खल्लास। तेलिश की गोली बंद कर देती अच्छे अच्छों की गोली। साला एक बात बताऊं भाई, ये गोली किसी की अपनी नहीं होती और ना ही किसी को पहचानती है। अरे बस भी करना यार, तूने तो साला गोली के नंबर वो क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ यार वो लेक्चर देने ला बे। हर गोली पे मरने वाले का नाम लिखा होता है, अब उनका भी लिखा होगा बाप। साला हम लोग का नाम किस गोली पे लिखा होगा? ए तात्या, अबे बस कर यार, क्या जिंदगी और मौत की बात करता है, अबे क्या डरा रहा है क्या? डरा नहीं रहा हूं भाई, सच बोल रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ यार, ये गोली बनाया किसने? मैंने नहीं बनाया। तुम भी ना बंडू भाई। बैग में क्या है? लाइसेंस दिखाओ। जरा डिक्की खोलिए। गाड़ी बुड़े गए। धीरे धीरे आगे चलो। चलो चलो वो गाड़ी चेक करो, पीछे क्या है? लाइसेंस दिखाइए अपना। लाओ दे लाइसेंस। कुछ नहीं, जाने दो। चलो चलो चलो। हाँ चलिए आओ, पीछे वाली मारुति को रोको जरा। हाँ रोको रोको रोको, ये सब लाइसेंस। जाने दो चलो, जाने दो जाने दो जाने दो। Dubai.
जेंटलमैन, भंडारी का कत्ल अंडरवर्ल्ड की एक सोची समझी साजिश है। उसका कत्ल करके उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को एक चुनौती दी है। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बन जाने के बाद से न सिर्फ इन दोनों शहरों की दूरी कम हो गई है, बल्कि अंडरवर्ल्ड ने भी पुणे में अपना ठिकाना बना लिया है। ऐसे कई गैंग्स यहां सक्रिय हैं जिन्हें या तो पुणे से यह हिंदुस्तान के बाहर से चलाया जा रहा है। रघु पाटिल जैसा शख्स अपनी राजनीतिक पहुंच की वजह से यहां बैठा अपना गिरोह चला रहा है। हमें उन्हें जड़ से उखाड़ना होगा, उनके गिरोह को खत्म करना होगा। इसके अलावा हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हमारे शहर के नौजवान और स्टूडेंट्स चंद पैसों के लालच में अंडरवर्ल्ड में शामिल हो रहे हैं। हमें इसे रोकना होगा। कैसे रोकेंगे सर? अब हम ये वर्दी उतारकर स्कूल कॉलेज में जाकर उन्हें अंडरवर्ल्ड के बारे में लेक्चर तो नहीं दे सकते ना? लेक्चर तो नहीं दे सकते, लेकिन हमें जरूर कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिससे उनके अंडरवर्ल्ड में शामिल होने पर अंकुश लग सके। अंकुश तो मीडिया पर लगाना चाहिए सर। गुंडों को लाइमलाइट में लाने वाले तो वही हैं। एक छोटा सा गुंडा भी अगर पकड़ा जाता है तो अखबार और टेलीविजन वाले उसे हीरो बनाकर छापते हैं, और फिर वो कानून की कमजोरियों का फायदा उठाकर बाहर आता है और अपनी गैंग बना लेता है। यू आर राइट मिस्टर खान, लेकिन डेमोक्रेसी में मीडिया पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसलिए इस जंग को जीतने के लिए हमें अपना काम इतनी ईमानदारी से करना होगा कि मीडिया को हमारी सराहना करनी पड़े। मिस्टर खान। यस सर। ये भंडारी मर्डर केस मैं आपके हवाले करता हूं। माय प्लेजर सर। करता है तू, बच्चे की जान लेगा क्या? बताएगा बताएगा सब बताएगा है? क्या रे बताएगा ना? फटकला रे बुद्धि इस साले ने, भाई बनता इस साला जा आइला। मसूद पाटिल ने फिर किसी मासूम को मेरा आदमी बताकर उसका कत्ल कर दिया है। कमबख्त मेरी बराबरी कर रहा है। बालकनी साहब, बालकनी साहब, बालकनी साहब। हाँ कॉर्नर का है ना? हाँ साहब कॉर्नर का है। चल ठीक है। क्या रंगीला कुछ पता चला? सलाम साहब। सलाम साहब। भंडारी अच्छा दिन था साहब, उसका बोतल अफड़ा था। ए रंगीला। सॉरी साहब, आप मुना से मिलिए, सब पता चल जाएगा। मुना? हाँ सब। क्या करती है वो? hmm.
साहब साहब क्या हुआ? शो तो खत्म हो गया। अरे लेकिन बाहर तो कोई नहीं आया। सर बाहर जाने का रास्ता पीछे से, वो उधर से निकल गए। और मोना? वो निकल गई सर पीछे से। चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। जी सुनो सुनो राधिका, मेरी बात तो सुनो प्लीज। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, या तो तुम अपनी गैंग छोड़ दो या फिर मुझे। ठीक है बाबा, मैं आज ही बादशाह से बात करता हूँ, फिर तो तुम मुझसे शादी करोगी ना। भाई राहुल गैंग छोड़ के जाना चाहता है, उसे आजाद कर दो। Thank you.
बंडू भाई, भंडारी के कत्ल के सारे सुराग मिटा दिए। हाँ, अब हमें ना ही कोई जानता है और ना ही कोई पहचानता है। अब तुम खुले हम कहीं भी आ जा सकते हैं यार। नहीं रे, थोड़ी सी लापरवाही हम लोगों के लिए खतरनाक हो सकती है, और लापरवाही करने का न्याय हेलो बंडू भाई, भाऊ पाटिल के आदमियों ने शेठी को उठा लिया है। बंडू भाई अरे मेरा गलती तो बोल रहे इतना। अरे भाऊ नमस्कारम नमस्कारम, भाऊ नमस्कारम। ये देखा आपका आदमी लोग हमको ऐसा उठा के लाया जैसे मुंसिपालिटी वाला रोड से कुत्ता उड़ा कर लाता है। भाव हम इसको पूछो हमारा गलती क्या, कुछ नहीं बोला। पहले बोलता ना कि भाव ने बुलाया तो हम इधर दौड़ के आता था। भाव आपको मालूम है ना कि हम कितना छोटा आदमी है ना। अरे छोटा नहीं बोलने का, छोटा नहीं बोलने का, साला अक्खा मुंबई शहर को मालूम। छोटा के नाम से जाने जाने वाले आदमी के में कितने बड़े बड़े कीड़े निकलते। तेरा बार कैसे चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास भाऊ। फिर गिरी क्यों शुरू किया तूने? अयो प्रभु, साले होटल में नचाते नचाते आदमी लोगों की खबर देने को शुरू किया है तूने। तू खबरी बन गया है? अयो मेरा भाऊ, ये कौन बोला आपको? झूठ बोला, जो भी बोला। साले तेरे बार में डांस के अलावा क्या क्या कुतरा चाली चलती है तेरे को क्या लगता है? भाऊ को नहीं मालूम? भाऊ को ये ना समझाए तू। भंडारी का गेम किसने बजवाया? भंडारी का हमको नहीं मालूम। साला अपुन के पास पक्का खबर है, भंडारी के गेम की प्लानिंग तेरे ही बार में पकी। भाऊ, बाबा सच्चे बोलता हमको नहीं मालूम। अब मेरा प्रभु भाऊ को समझाओ, हमको नहीं मालूम। तेरे को मालूम, तेरे को सब मालूम, मगर तू ऐसे नहीं भोकेगा है बाबू। ये बाबू बाबू भाऊ बोला था, आना इधर डाल दे। बाऊ बाऊ अब बोलेगा बोलेगा। आप बोलता तो हम पहला ढूंढ के पता करेगा, फिर आपको बोलेगा। हम बोलने का बोल दिया बोलेगा। नहीं तो तेरे को मालूम बाबू बाबू पहले बार बंद करेगा, बाद में गोले अंदर करेगा। चल कमती हो जाए। चल बाऊ तुम्हारा पैर पड़ने का किधर है? ए नाटक कंपनी, चल चल कमती हो जाए। चल मेरा प्रभु। ए छोड़ गया रे इसको, छोड़ू नहीं आ रहा नौटंकी। मेरे को बुलाने का, बाबू को भेजने से छोटे भाऊ को नहीं भेजने का क्या? मेरे को मेरे प्रभु, मेरे को आसमान से गिरा हुआ खजूर पे अटकाया। खान साहब नमस्कारम नमस्कारम। खान साहब आप इधर आया? रेड्डी साहब कहां से आ रहे? लॉर्ड तिरुपति का मंदिर से, लॉर्ड अयप्पा। अयप्पा अयप्पा, तुम्हारा चेहरा कुछ और कह रहा है, जबान कुछ और बोल रही है। देखो शेट्टी, सच बोलोगे तो सदा सुखी रहोगे, क्योंकि झूठ से मुझे सख्त नफरत है। मेरे को मालूम 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 मालूम। इसलिए जो कुछ मैं पूछूं सच सच बताना। बताएगा। भंडारी को कब से जानते हो? भंडारी 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 बोलो तो भंडारी भंडारी कौन? भंडारी साहब हमको नहीं मालूम। तू भंडारी को नहीं जानता? नहीं जानता। धंधे वाला दलाल जिससे एक रुपया भी कमाता है ना शेट्टी, वो ना तो कभी ग्राहक को भूलता है और ना ही धंधे वाली। और तू भंडारी को भूल गया? ओ साहब, भंडारी के साथ में मेरा कोई लेना देना नहीं था। मोना से तो था। इस केस की इंक्वायरी में बीच बीच में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। मेरा प्रभु। अरे पंटू भाई ने बोला तेरे को जाने के लिए यार। नहीं जाना मेरे को यार, नहीं जाना। अरे जरूरी है जाना यार। अरे नहीं जाऊंगा ना, बोल देना तेरे को। क्या हुआ क्या हुआ? अरे नहीं पंटू भाई, बोलू नहीं मानता। बंटू भाई क्या ये बताइए, आज तक हम में से आपको छोड़कर कोई कहीं नहीं गया, तो आज ऐसा क्यों? और आपने भी तो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, तो फिर आज ऐसा क्यों? नहीं बंडू भाई, मैं उस के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अरे बात क्या है बंडू भाई, किसी को भी टाइट करने के लिए तातिया अकेला ही काफी है, मैं जाऊं क्या? अरे नहीं तातिया, तू नहीं। अरे ये भोले के ट्रेनिंग का पीरियड है, सोना तपने से ही कुंदन बनता है, और तेरे को तो जाना ही होगा। अरे उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है, और ये काम मैंने तेरे को सौंपा है।
पर बंडू भाई कॉलर पकड़ झटका दे कान के नीचे फटका दे अरे देखो पचे में अटका दे। हेलो हेलो बंडू भाई। हाँ बोल। हाँ काम हो गया क्या? बचा दिया मैं गेम। हाँ चल ठीक है हम लोग डिस्को जा रहे हैं तू वहाँ पहुँच। ठीक है हाँ तो मैं माचिस दे। अरे यार ए तातिया एक कश दे ना एक कश दे। ये घर अब हम लोगों को छोड़ना होगा। हमारी हालत उन परिंदों की तरह है जो मौसम बदलते अपने अपने घोंसले बदल देते हैं। सच कह रहा हूं मैं इस धंधे में हमारा अपना कोई घर नहीं होता। खाते किसी के भोगते किसी पर है कुत्तों जैसी तो जिंदगी गुजारते हम लोग। एक खटका हुआ नहीं कि उछल कर खड़े हो जाते। तो क्या बल्टू भाई हम आज के सिकंदर नहीं है क्या? अबे वो सिकंदर सिकंदर भाऊ। हेलो हेलो बाबू जी ये नंबर किसका है? देख 982028 75 95। ये मेरा नंबर है रघु पाटिल। ओ एसीबी खान कालिया तेरा आदमी था ना जिसका कल रात खून हुआ। मरने से पहले आखिरी बार उसने तेरे साथ बात की थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बात हुई। अरे फोन उसने किया था उसको जाके पूछ। मेरे को क्या पूछता है? मेरे को दिन में 1760 फोन आते हैं रे। और तेरा भी तो फोन आया था मेरे को। यहाँ से बाहर जाने के बाद अगर तेरा गेम हो गया तो ठीक है आइला उसमें बाहू क्या करेगा? वो जो करना है वो तो मैं करूंगा। अभी तो तेरा सिर्फ मोबाइल नंबर आया है। तेरा नंबर भी आएगा और जरा शुक्र मनाओ कि पहला नंबर कहीं तेरा ही ना हो। समझा? आप जैसे चंद पुलिस ऑफिसर ही डिपार्टमेंट को बदनाम करते हैं। आपको यहां देखकर मुझे हैरत नहीं हुई? यही सवाल तो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि एसीपी अखलाक खान आज यहां कैसे? अगर आपको डिपार्टमेंट और वर्दी का इतना ही ख्याल होता तो आप रघु पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाते, खुद यहां नहीं आते। Thank you.
अरे बंदिया जी भाव माँ वाला माँ अरे आओ आओ वाग भरे आओ 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 यार मुझे तेरा नाम बहुत पसंद है अच्छा तेरा अक्का जिंदगी में तूने एक चूहा नहीं मारा और तेरा नाम वामन राव वाग मारे वाह भाऊ नाम वाग मारे है तो चूहा क्यों मारूं जब भी मारूंगा वाग ही मारूंगा टीचर आइला डायलॉग मारता है तेरे को भी एसीबी खान का हवा लग गया क्या अच्छा क्यों वो भी मेरे को डायलॉग मार के गए अभी अच्छा क्या कह रहा था छोड़ना यार ऐसा के बारे में क्या बात करने का ऐसा 56 पुलिस वाले को बांध कर रखता है भाऊ इधर भाऊ दोस्त होने के नाते एक बात बोलूं अरे तू ये क्या चार बोल सबसे पंगा लेना मगर पुलिस वाले से पंगा मत लेना चाहे वो हवलदार हो या एसीपी क्योंकि बेईमानी के धंधे में चलने वाला हर सिक्का खोटा नहीं होता मेरा प्रभु ये फोन काय को नहीं उठाता रे वो इंस्पेक्टर खान इसका एनकाउंटर तो नहीं कर रहा है ना हेलो हेलो अरे क्या रे कौन बोलता रे तेरे को फोन सुने नहीं देता क्या इतना घंटी बजाते बजाते मेरा दिमाग का घंटी बज गया रे कौन बोलता रे तू तात्या बोल रहा हूं मैं क्या रे तेरा खुद ही बढ़ गया क्या है तात्या बोले तो तू बाप हो गया क्या कल रात को उधर प्यार बार में गोली चलाया अरे वो तो अच्छे बाकी वो लोग तुम लोग को जानता नहीं अबे किधर है बंडू फोन दे बंडू को शेट्टी क्या रे शेट्टी चाहिए नहीं है तेरे को सुबह सुबह ये कितना टाइम से लाइन के अंदर है तू हाँ क्या क्या तेरे को मालूम नहीं क्या तेरा ब्याजा किधर गया ए शेट्टी सुनना बात सुनना वो आदमी लोग को जानता क्या तू उसको मालूम पड़ेगा तो तेरा जितना भी बाल है ना छिल के रख डालेगा वो हाँ सुन मेरा बात सुन कितना टाइम बोलना करे तेरे को छोटा शेट्टी के पूछ के बिना किसी को थप्पड़ नहीं मारने का रे ए शेट्टी ए बंडू बोलोगे अगर हम लोग को गोली मार देता तो चलता तेरे को तेरे बाप का नौकर नहीं है मैं शेट्टी कि तेरा ऑर्डर लेगा ए आज के बाद मेरा जो मर्जी होएगा ना वही हम लोग करेगा समझा क्या तू ये बंडू बंडू भाई छोटा शेट्टी को ही चल के डाल देते बहुत बोल रहा है ए, शान स्मार्ट शॉट बा तेरे को चाहिए क्या अरे हाँ भाई अबे लेना है तो लेना अच्छा की ये वाली शर्ट कैसी है अरे क्या शर्ट है बंडू भाई लग रहा है एकदम शशा शशा शाहरुख लग रहा है लग रहा है अरे कहाँ चली ये बंडू भाई तू कुछ नहीं लेगा क्या ए तुम लोग खुश है ना मस्त है मेरे लिए कुछ तो लेना चल अरे बंडू भाई आप ग्रेट हो चल ये बंडू भाई दिखाओ क्या ये पैसे भी नहीं लेगा ये लो भाई बराबर है ना भाई चल बोला चल बाबा आजा आजा तेरी तो निकल गया यार मजा आ गया भाई Yeah, this is nice. I'll take it. Okay, just pack it for me. Oh my God, Jyoti! Sachin, what a pleasant surprise, yaar! मुझे तो यकीन नहीं आ रहा. मुझे भी यकीन नहीं आ रहा है, Sachin. आज अचानक यहाँ इतने सालों के बाद. Oh
माय गॉड सचिन, तुम्हें नहीं पता मैं तुमसे मिलकर कितनी खुश हूँ। सचिन क्या हुआ यार? मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। सपना नहीं स्टूपिड, मैं ज्योति यार, ज्योति हूँ मैं। अरे पागल हो गई हो क्या? हाँ। एनीवे, तुम यहाँ कैसे? मैं तो पिछले 7 महीने से यही रह रही हूँ। अच्छा? हाँ, बाबा का ट्रांसफर हो गया है। ओके। और तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? नथिंग न्यू, गोइंग ऑन। कोई काम धाम, कोई जॉब? कंप्यूटर इंजीनियर। वाओ, मैं जानती थी तुम ऐसा ही काम करोगे। दैट्स वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा सचिन, एक बात तो बताओ, ये लोग जो तुम्हारे साथ थे वो कौन थे? दे आर माय फ्रेंड्स, हम लोग सब साथ में रहते। अच्छा गिव मी योर नंबर, आई कॉल यू बैक। पक्का? व्हाट डू यू मीन बाय पक्का? पता नहीं, सोचोगे कहाँ मिल गई ये। ए ज्योति, बस क्या? ओके ओके, टेक माय नंबर। मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, बोलो। 636-2222। 636-2222। ओके, आई एम गेटिंग लेट, चलती हूँ, बाय बाय। ओके बाय बाय। ए तातिया, नहीं वो आजा भाई आजा। बंडू भाई। कौन है? मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। वड़कम खान साहब। ए जाओ तुम लोग। ए खड़ा रहे। वड़कम। नाटक नहीं, उस दिन तुमने कहा था तुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ नहीं मालूम है। जिस गाड़ी में भंडारी की लाश मिली थी वो गाड़ी पठान गैराज की है, और वो गाड़ी तुमने मंगवाई थी। हमने? हम मंगाया? अयो प्रभु, झूठ साहब, बिल्कुल झूठ। हवलदार जी साहब, पठान को बुलाओ जी। अयो प्रभु, ये क्या हो गया प्रभु? हमको बचा ना प्रभु, हम छोटा आदमी। प्रभु बुरे लोगों को नहीं बचाता, मैं तुझे बचा सकता हूँ। सच सच साहब? हाँ, लेकिन तुम्हें ये बताना पड़ेगा वो लड़के कौन थे। साहब वो चार चौकर हमारा बार में आया, खूब पैसा लुटाया, खूब पैसा लुटाया। हमको बोला एक गाड़ी मांगता, थोड़ा पैसा के चक्कर में हम उनको गाड़ी मंगा कर दिया। अब हमको क्या मालूम साहब, ऐसा लफड़ा हो जाएगा साहब। हम कुछ नहीं जानता प्रभु, हमको बचाना प्रभु साहब, हम छोटा आदमी। शांताराम। यस सर। शांताराम इधर आओ साहब। ने जब इसको अंदर कर दो जी। आयो प्रभु, ऐसा मत करना साहब, हम बदनाम हो जाएगा साहब। अरे बदनामी का इतना डर है तो फिर ऐसा काम क्यों करते हो? आयो हम कुछ नहीं किया साहब, वो साला चौकड़ा लोग हमको फंसाया। आप हमको एक दिन का टाइम देगा साहब, हम उनको ढूंढने का और आपको बताएगा साहब। हमको खाली एक दिन का टाइम दे रहा साहब आप। और नहीं बताया तो? नहीं बताया, आप मेरा बियर बार बंद करना साहब, और मेरा अंदर बंद करना साहब। शांताराम को बोलना मैं अंदर जाएगा साहब, छोटा आदमी बियर बार। सलाम भाई, क्या हुआ रे? अन्ना साटम क्या देखना भाई? हाँ खोल के रखना। हाँ लगता है उसने गलत इन्फॉर्मेशन दी। चल सचिन, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, एक ऐसी बात जो हमेशा से मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी, पर आज मैं तुमसे खुद ही कह दूंगी, क्योंकि अब मुझसे इंतजार नहीं होता सचिन। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे, पर आज मैं अपने दिल की बात तुमसे कह ही दूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों को, इनमें डूबने लगा हूँ मैं। अच्छा? हाँ ज्योति, तुमने इन पलकों के पीछे कयामत सी नजर छुपा रखी है। बुद्ध हो कहीं के, फलसफा प्यार का तुम क्या जानो? याद है तुम्हें कॉलेज के वो दिन? ज्योति, ज्योति, ज्योति,
ज्योति कुछ नहीं मेरे पास मेरे अरे ज्योति मैंने बोला ना मेरे पास कुछ नहीं कुछ नहीं है मेरे पास ज्योति सचिन दिखाओ मैंने बोला ना मेरे पास कुछ नहीं प्लीज मुझे दिखाओ कुछ नहीं है मेरे पास देख लिया मैंने मैंने देख लिया प्यार का मतलब समझते हो तुम डू यू नो आई लव यू आई नो दैट मैं भी तुमसे प्यार करता हूं रियली आई लव यू ज्योति आई लव यू सचिन आई रियली लव यू आई लव यू बात बताओ तुम्हारा जोडियक साइन क्या है मैक्यूरस यानी कि कुंभ लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो पहले तुम मुझे ये बताओ तुम्हें इन बातों पर यकीन यकीन है कि नहीं यकीन तो है मगर कभी आजमाया नहीं भाई मुझे तो बहुत यकीन है मालूम है कई साल पहले मुझे एक पंडित जी ने कहा था ज्योति जैसे ही तुम 20 साल की हो जाओगी तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा और आज मेरे वो 20 साल पूरे हो गए यानी कि टुमारो इज योर बर्थडे यस My birthday tomorrow. Many many returns in advance. Hey, ऐसे वैसे नहीं चलेगा तुम्हें कल बर्थडे पार्टी में आना पड़ेगा मालूम है बाबा तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे बहुत खुश अच्छा मैं चलूं? रिक्शा बुक्स थैंक्स और हाँ सचिन अपने दोस्तों को लाना मत भूलना ठीक है ओके बाय चलो बाय बाय हेलो 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 कॉलिंग फ्रॉम इंडिया पुणे बोल अच्छा भाई लगता है ऐसे में कान मेरा भी एनकाउंटर कर डालेगा क्या वो गाड़ी का नंबर पता किया गैराज पता किया और बोलता वो चार चोपड़ा लोग है ना उसको मांगता है वो हम दे देंगे मगर बादशाह भाई जितना बोला उतना कर और रात में मेरे को फोन करना करेगा करेगा मैं तो फोन करेगा मगर आप भी कुछ करो ना मेरे प्रभु अरे बंडू भाई उधर पूछे तो क्या बोलने का कंप्यूटर इंजीनियर और क्या अबे बेवकूफ है क्या सबके सब एक ही धंधे में और ये बंडू साला बंडू भाई क्या बनेगा बंडू भाई प्रॉपर्टी डीलर और अक्की तू है ना एक्सपोर्टर काई का एक्सपोर्टर बनेगा मैं अबे खुद सोच ले ये भी कि हम बताएंगे अरे बंडू भाई कपड़े का बनेगा मैं कपड़े का नहीं गारमेंट्स का ओ गारमेंट्स ए चल अभी देर हो रही है बहुत हो गया चल ए बंडू भाई कैसा लग रहा हूं मैं ए एकदम झकास लग रहा है फिगर मत कर यार एड़े छोड़ 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 इसको इसको छोड़ कोट डालेगा शक्ल देखो बंडू भाई इसकी कोट डालेगा हां बात ए ये अच्छा लग रहा ना अरे अच्छा ताते मेरे दोस्त तू तो कॉलेज गया ना भाई जरा टाई डाल के देना यार हां हां इधर ला रास्ते में खुल गई ये टाई ना चल बस क्या बंडू भाई अरे चलो यार देर हो रही है अरे हीरो अपना मोबाइल संभाल के रख वरना वहां भी बोलेगा बंटू भाई दिखाओ क्या ए तात्या चल घोड़ा इधर ला ए मैं रखेगा इसको चलो रे चलो चल बोलो चलो यार चलो थैंक यू आइए 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 भाभी जी अकेली आए यार शर्मा जी को नहीं लाई अच्छा अच्छा धन्यवाद थैंक यू हैप्पी बर्थडे थैंक यू बहुत खूबसूरत लग रही हो छोड़ो रहने भी दो आओ तुम्हें बाबा से मिलाती हूँ आप लोग भी आइए ना चलो यार खाना खा के जाना है बराबर मेहमानों का ख्याल रखना है लेकिन कौन है हाँ ये मेरा फ्रेंड सचिन नमस्ते अंकल अरे सचिन अरे अरे इसको तो पूरा दुनिया जानता है क्या चौका छक्का मारता है वाह वाह बाबा ये वो सचिन नहीं सचिन मेरे कॉलेज का फ्रेंड अच्छा अच्छा कंप्यूटर इंजीनियर है
अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अंकल ये मेरा दोस्त भोलू है, बैंक में सर्विस करता है। अरे वाह, वो तो लगता है, देखो ना इसका कोट, देखो ना लगता है कि नहीं। और ये अक्की है, वेरी लकी, वेरी एक्सपोर्टर। नमस्कार। और ये बंडू भाई है, हम सबके सीनियर। अरे बाप रे बाप, देवा रे देवा, सीनियर बोले तो अपन का भी बाप। वो क्या है ना अंकल, कॉलेज में इनका सीनियर था ना, तब से ये लोग मेरे को सीनियर बोलते हैं। अरे मजाक करता रहे, मैं मजाक करता रहे। ए तुम लोगों का चौकड़ी मेरे को अच्छा लगा। ए ज्योति, ए केक काटने का, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, लेट हो गया बहुत, जल्दी कर। आजा आजा आजा, बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए। अभी पहला ये लो, केक काटो, पहले इसमें फूंक मारो। Happy birthday to you, happy birthday to Jyoti. अब नहीं नहीं, पहले अब सचिन को खिला। सर यही चार लड़के हैं जिन्होंने भंडारी का कत्ल किया है। मैं चाहता तो था कि इन्हें जिंदा पकड़ा जाए ताकि उस तथ्य का पता चले जिसकी वजह से भंडारी का कत्ल हुआ है, लेकिन इन्होंने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, मजबूरी में हमें भी गोली चलानी पड़ी। मजबूरी या जानबूझकर? मैं माफी चाहता हूं सर, लेकिन सच्चाई यह है कि एसीपी खान को एनकाउंटर की आदत पड़ चुकी है। महीने में जब तक दो चार एनकाउंटर नहीं कर लेते इन्हें चैन नहीं मिलता। डिपार्टमेंट में इन्हें अपनी पोजीशन जो बनानी है, लेकिन सर एनकाउंटर करते वक्त ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। एनकाउंटर भी एक हत्या है, एम आई राइट सर? यस। और कल रात इन्होंने जो एनकाउंटर किया वो भंडारी के कातिल थे ही नहीं। क्या मतलब? सर भंडारी रघु पाटिल का साथी था, और कल इन्होंने जिनका एनकाउंटर किया वो पाटिल के ही आदमी थे। मैं ये नहीं कहता कि वो मुजरिम नहीं थे, लेकिन भंडारी के कत्ल से उनका कोई संबंध नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। आप ये फाइल पढ़ सकते हैं। मिस्टर खान, ये किसी की साजिश है सर। अगर पुलिस वाले लोगों की साजिश में फंसेंगे तो आम जनता का क्या होगा? देखिए मिस्टर खान, आप जल्दी से जल्दी इस केस की तहकीकात कीजिए और कातिल को गिरफ्तार कीजिए, वरना मुझे आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तेरे पास ही आ रहा था, अच्छा हुआ तो इधर ही मिला। कल तू मेरा चार आदमी लोग को मारा क्यों? क्या कर लिया था उन लोगों ने? वर्दी है, सरकारी सामान मिल गया, तो किसको भी ठोकेगा तू? साला तेरे को हीरो बनने का है, तेरे को हीरो बनने का है तो मेरे को ठोक, भाऊ को ठोक ना। तेरे जैसे पुलिस वाले को भाऊ पे मारता है, तेरे मुंह पे बोलता है अक्का पूना शहर का डॉन है भाऊ, वन साइड। एक बात याद रखना,
आगे से मेरे रास्ते में कभी मत आना। आप हमको इधर काहे को बुलाए साहब, हम चोट है। एसीपी खान एनकाउंटर करता है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। प्रभु मैंने चार गलत लड़कों का एनकाउंटर किया तेरी वजह से, लेकिन पांचवा अभी सही है। बोल मुझे गलत टिप क्यों दी? हम गलत टिप नहीं दिया, चार छोकरे लोग वही थे साहब जो हमसे गाड़ी मांग आता है। झूठ मत बोल। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। हेलो कमिश्नर साहब, खान साहब एनकाउंटर की तैयारी कर रहे हैं। निकल पड़ी अपनी तो यारो रे, हुआ है मेहरबा ये ऊपर वाला रे। निकल पड़ी अपनी तो यारो रे, हुआ है मेहरबा ये ऊपर वाला रे। क्या हुआ तेरे को, दौरा तो नहीं पड़ गया भाई? दौरा पड़ने से आदमी झटपट आता है, खुशी से नाचता नहीं है। आप उन लोग आजाद हो गए बे। मतलब ये क्या बंडू भाई, अखबार पढ़ो। क्या दिखा दिखा? भंडारी के कातिल पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। ताना खुशी की खबर। हाँ। क्या बात कर रहे हैं? मतलब आज से अपन लोग रिलैक्स। निकल पड़ी अपनी तो, निकल पड़ी अपनी तो। ए शांत, ये चाल भी हो सकती है। चाल? हाँ चाल। या तो ये खबर भाऊ पाटिल ने छपाई है या फिर पुलिस वालों ने। रोज रोज नई नई तरकीबें ढूंढते रहते पकड़ने के लिए। क्या बंडू भाई, ऐसा भी कभी हो सकता है? आपू ने तो कभी सोचा नहीं था। बोलो, ये धंधे में अक्सर ऐसा ही होता है, इसलिए जब तक कंफर्म नहीं होता है ना, सबको अलर्ट रहने का है। ये भाऊ पाटिल के आदमी और ये पुलिस वाले अपन लोग को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रहे। आज से अपना एक ही टारगेट, भाऊ पाटिल। देवा रे देवा, क्या होगा देश का? कोई भी अखबार उठाओ, खून खराबा दंगा फसाद के सिवा कोई खबर नहीं। काय झालं, पेपर खोला नहीं कि बड़बड़ चालू। बड़बड़ नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये अखबार देखा तू? क्या लिखेला, क्या लिखेला, क्या लिखेला देखा? क्या लिखा है? अरे वो भंडारी शेर का खून हुआ ना है, मालूम है कौन किया? कौन किया है मालूम है? तो क्या हुआ? अरे 18-20 बरस का छोकरा लोग किया। तो तुम्हें क्या है? अरे कैसी बात करती तू, कैसी बात करती तू? अरे देश का यंग जनरेशन खराब होता, ये माँ बाप लोग बच्चा लोग को काहे को पढ़ाता लिखाता? अरे डॉक्टर बनाने के वास्ते, इंजीनियर बनाने के वास्ते, और ये लोग क्या करता, क्या करता है? अच्छा किया रे देवा, मेरे को बेटा नहीं दिया, अच्छा किया। कांदा हरी मिर्ची डाली ना? हेलो हाँ। अंकल। हाँ? अरे सचिन आओ बेटा आओ। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ बेटा आओ, इसको देख, ये भी तो वही उम्र का छोकरा, पर कितना बढ़िया काम करता, कंप्यूटर इंजीनियर, ऐसा छोकरा होना मांगता। क्या हुआ आंटी? इनसे ही पूछ। अरे बेटा वो भंडारी सेठ का खून कौन किया मालूम है ना? 18-20 साल का छोकरा लोग, दर्द होता है बेटा, दर्द होता है। और ये मेरे को बोलती है मैं बड़बड़ करता। ज्योति को मिलने को आया ना? ज्योति, ज्योति आई बाबा। मेरी आवाज पे आती है। हाय हाय। ए ज्योति के वास्ते भी देखना कोई कोई अच्छा सा जॉब मिले तो। बाबा आप मेरी फिक्र करना छोड़ दो। अच्छा छोड़ दिया, छोड़ दिया। लेकिन सचिन को कुछ नाश्ता की सकराना है, चाय पिलाना, पोई 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 बनाना, बहुत अच्छा पोई बनाती है। मैं चलता हूँ, बाजार से कुछ लाना है, खा पी के जाना है, चल मैं चलता हूँ। चलो तुम दोनों बैठो, मैं आई अभी। आई बेटा। अरे क्या पिक्चर बनाई यार, एकदम राम गोपाल ने भी यार, एकदम यार क्या रापचिक माल। अरे गुड मॉर्निंग अंकल। अरे बाबू तुम लोग यहाँ काय खड़े हो, ऊपर जाओ ना। हाँ नहीं अंकल, यही ठीक है। अरे क्या ठीक है? ए ज्योति उस तरफ देखो ना। ए ज्योति आई बाबा। अरे देखना कब से ये लोग बाहर खड़े हैं, इनको भी अंदर बुला, नाश्ता गीसा करा, चाय पिला, बुला ना। बंडू भाई आओ ना ऊपर। ए सीनियर, ए जब भी आता है जीप में बैठा रहता है और चला जाता है। ए ऊपर जाना रे बाबा। नहीं अंकल बाद में कभी, अभी देर हो रही है बहुत। अरे देर तो मेरे को हो रही है ऑफिस को है। तू जाना रे है? कभी आएगा है? जा रे, जा रे, जाओ रे, नाश्ता किसा करो। ए पोए खाना रे, पोए बहुत अच्छा बनाती है। आएगा अभी चलता मैं। ए ज्योति पोए खिलाना रे इनको। बंडू भाई आओ ना ऊपर। अरे फिर कभी, अभी देर हो रही है बहुत। किधर जाना है? अरे तुम लोग नीचे तो आओ ना पहले। चलो
बंडू भाई, ये कोई मतलब नहीं होता बंडू भाई, आप लोग ऊपर क्यों नहीं आते मुझे नहीं मालूम। चलिए आप पहले ऊपर चलिए। बैठ तू पहले। नहीं मैं नहीं जाने वाली, आप पहले ऊपर चलिए। हे ज्योति बैठ ना। क्या मतलब है, कोई बताता ही नहीं मुझे। अरे तू बैठ ज्योति, चल बैठ, मैं बताता हूँ। चलो रे सब बैठो। अरे बैठो रे। बैठे क्या? हाँ चलो। ऊपर क्यों नहीं आए तुम लोग? बाबा को पता चलेगा तो कितना गुस्सा करेंगे मालूम? ए ज्योति आज काम है ना मेरे को, बाद में कभी आऊंगा ना। सचिन तुम क्यों नहीं समझाते इन लोगों को? मैं क्या समझाऊं? ए तात्या तू ही समझाना इसको, आज काम है मेरे को। ये ले। ये क्या है? ये फिल्म के दो टिकट हैं, एक तेरे लिए और एक ज्योति के लिए। अब तुम लोग नीचे लोगे साथ में? अरे अब क्या करेगा, कबाब में हड्डी बन गए। तो ये बात है, मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे बंडू भाई ये तो सीरियस होगी। अरे ज्योति मैं तो मजाक कर रहा था। तो चल रहे हो ना तुम सब? नहीं रे ज्योति आज सचमुच हम लोग का काम है। तुम लोग जाओ ना अकेले, एंजॉय करो ना, जाओ ना तुम लोग यार। अरे जाना, एंजॉय करना है। काम करते ज्योति, शाम को खाना साथ में ही खाएंगे। पर चलते तो कितना अच्छा होता ना। लेकिन हम लोग मिलेंगे कहाँ? ए तुम लोग एक काम करो ना, घर आ जाओ ना शाम को। हाँ चले, थिएटर भी आ गया। गो एंजॉय योरसेल्फ, गो। थैंक यू बंडू भाई। ए ए चल चल आगे आ जाओ। अरे शाम को संभाल के जाना। बाय ज्योति, शाम को घर पे आना तू। तात्या बिल्कुल वैसा है मासूम चेहरा, वही बोलने का अंदाज, वही चाल। ज्योति मेरा कमाल है, कमाल है ये ज्योति। उसको देखता हूँ ना तो साला। ए बंडू भाई अपने तात्या की आइटम है वो, तू समझाएगा मेरे को? बंडू को तू समझाएगा? समझ नहीं है क्या मेरे को? बेड़ा समझाए। अबे ज्योति मेरी बहन है रे, बहन है वो प्रिया के माफिक, वो भी मेरे को प्रिया के माफिक बंडू भाई ऐसा बुलाती। जब भी मैं शराब पीता ना तो प्रिया बहुत भड़क जाती, बहुत गुस्सा करती, तो मैं उसके पास जाता। ए प्रिया मेरे को माफ कर देना, आज से ये शराब बंद बंद, कसम से आज ये शराब मैं छोड़ दूंगा। तू मेरे को छोड़ दी। ए प्रिया तू वापस आ जा रे, वापस आ जा प्रिया, ये शराब मैं कसम से छोड़ दूंगा अभी। वापस आ जा प्रिया, साला कलाई मिला इसमें रागी कौन बांधेगा रे? मैं बांधूंगी। मेरे रहते हुए मेरे भाई की आंखों में आंसू। ज्योति मेरी बहन है रे, पंडू की बहन है, बोलू मेरी बहन है, मेरी बहन है, पंडू की बहन है। भार्गव बोल। भाव किधर है? पूजा कर रहा है। बात करा, मैं तेरे को बोला ना भाव पूजा करते समय किसी से बात नहीं करता। खास खबर है भाव के लिए। अरे मेरे को बोलना, फोन देता है भाव को या? ठीक है देखता हूँ। प्रथम नाव अखर दुंड दूसरे गण दे तीसरे कुछ में आज चौदह वे अखर बाद उसी लंबा दर सारे जिन नाव ते सात वे में आयन आठ वे दुमरों ने नवे सी भाले जन धारे सी बनाएगा अखर आवे गण बारह वे सी गया देव नावे अशी बारह तीन संध्या मने नर वीक न भीती न से त्याला प्रभो तुम्ही सर्वार्थ सिद्धि तत् धना राला मे धन मोक्षा तला मे गति जपता गणपति स्तोत्र सामास रे बड़े एक वर्ष पूर्ण होता मे सिद्धि नवश नारदा निरति लेले धाले संपूर्ण सूत्र इति श्री गणपति स्तोत्र संपूर्ण हरिओम गं गणपते नमः। मोरया मोरया भाऊ भार्गव का फोन है। हरिओम हरिओम। हाँ
लोग? भाव वो चारों लड़के बाहर से आए हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई अपने को पक्की खबर नहीं है। साला नाल दिखा के घोड़ा पहचानने को बोलता है भाव को तू? साला पक्का खबर नहीं था तो फोन क्यों किया? भाव मैं सच बोलता हूँ, वो कौन है मुझे बिल्कुल नहीं पता। ये बाबू राव, ये बाबू, ये साला बाबू तेरे को बोलता रे, तेरे को बोलता है। तू जा, तू जा, तू जा। ये साला तेरे गोटे लोग के बस का बात नहीं है रे। वो चार बचकुंडा लोग मेरे को इधर को मांगता है, वो चार बचकुंडा लोग भाव को इधर को मांगता है। ज्योति, तात्या ने तेरे को दिखाया कि नहीं? दिखाया ना। कहो ना प्यार है? अरे मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या? अरे खिलौना है, लेकिन कमाल का है। खिलौना? क्या बोलो ना। कुछ नहीं है, बोला ना मैंने, कुछ नहीं है मेरे पास। बंदूक बोलो इसको, बंदूक बोलो। सचिन रुको। ज्योति कहाँ जा रहा बेटा, क्या हुआ? ए काय को रोती? दोस्त लोग से झगड़ा हुआ तेरा? ए सचिन कुछ बोला क्या? ए ज्योति बोल ना। ए तू 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 पूछना इसको, क्या हुआ इसको? ज्योति, ज्योति बोल ना, क्या हुआ ज्योति? ए बोल ना बेटा। अंकल, ए सीनियर, अच्छा हुआ तू आ गया। ये देख ना कब से रोती है, पूछते हैं तो बोलती नहीं, बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। ए पूछना इसको काय को रोती। मैं समझाता हूँ उसको। हाँ हाँ समझा समझा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ए ए इधर आ, इधर आ, ए समझा रे, समझा रे बाबा, पूछ इसको क्या करूँ तुझे, पूछ। हाँ हाँ चल आ जा, पूछ आ जा। ज्योति, ज्योति तात्या ऐसा? हाथ मत लगाओ मुझे, just just leave me alone। मैंने कहा था ना कोई बात नहीं करनी, झूठे हो तुम सब, झूठे हो। धोखा दिया तुमने मेरे को। क्या कहा था तुमने? सचिन बहुत अच्छा लड़का है, क्यों किया ऐसा तुमने? और मेरे बाबा को, मेरे बाबा से बोले कंप्यूटर इंजीनियर है वो। कंप्यूटर इंजीनियर? छे, इतना झूठ। मैंने तो तुम्हें बंडू भैया बोला था ना, बंडू भैया बोला था ना, और तुमने, तुमने मेरे साथ, अपनी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा। प्रिया को तो तुम पहले ही खो चुके, और आज, आज तुमने मुझे भी खो दिया तुमने मुझे, खो दिया, खो दिया। I'm sorry यार, देख, अभी बंटू भाई गए ना, वो ज्योति को जरूर मना लेंगे। तू नहीं जानता ज्योति को, कॉलेज के 5 साल गुजारे हैं मैंने उसके साथ, इसी डर से तो आज तक आई लव यू नहीं बोला, के कहीं नाराज ना हो जाए, और जब बोला तो तमाशा। क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? क्यों आई थी मेरी जिंदगी में? क्यों आई थी बोलू? मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा था ना। और क्या सोचते होंगे उसके मम्मी पापा, कंप्यूटर इंजीनियर, अकाउंटेंट, प्रॉपर्टी डीलर,
झूठे हैं साले हम लोग। अरे शूटर है, शूटर शूटर है हम लोग। अब तो मैं उसके सामने जा ही नहीं सकता। गंदे मेरे को गंदे ना। नहीं है ताकेगण मेरे पास। बोलू गंदे मेरे को, बोलू गंदे। क्या करेगा तू गंगा? मरना चाहता हूं मैं। और वो जी लगी तेरे बगैर। हे तात्या, हे तात्या, देख मेरा दिल कहता है। ए सुनना तात्या, मेरा दिल कहता है वो आएगी। तू देखना वो जरूर आएगी। तात्या नहीं आई ना ज्योति बंडू भाई, मैं जानता था वो नहीं आएगी। तू मेरा महबूब सनम, तू ही मेरा
आओ ना। आई ला क्या? अरे बंडू भाई, कितने सालों के बाद इस घर में वापस आ रहा हूं। जा जाके घर देख तेरा। जा ना पगली, जा। वाह यार, तुम लोग भी जाके घर देखो। जा ठीक है बंडू भाई, चल अक्की आ जा। इसको बोलना। क्या हो गया बंडू भाई तेरे को? पानी जाने का। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। प्लीज पानी जा। नहीं जाएगी, पानी जाने का। इसको बोलना। ए बंडू भाई, बंडू भाई, वो प्रिया है ना बंडू भाई? वाओ, शी सो प्रिटी। मेरे को उधर ये जाती है ना, उधर डर लगता है। मैंने प्रिया को उधर ही खोया था, ज्योति को नहीं खोना चाहता हूं। ए बंडू भाई, बंडू भाई सुन, तुम लोग दोनों शादी के बाद यही रहोगे इसी घर में। तेरा घर तो मेरा घर ही है ना बंडू भाई, हम लोग यही रहेंगे बंडू भाई। रहेगी ना? क्या रे पांडुरंग, लगता है तुम्हें भी मोहब्बत हो गई थाने से। नमस्कार साहब, बराबर बोला, लड़की मिलेगी तो मोहब्बत क्यों नहीं होगा? लड़की? फिर बड़े साहब किधर है? आए ना अंदाज। अच्छा साहब, टीचा आयला। चल भाई। या चल। इतनी रात तक तुम्हारी बेटी कहाँ है? साहब ये मेरी बेटी ज्योति। कहाँ से आ रही हैं आप? तात्या से दोस्ती है तुम्हारी? मेरा मतलब है सचिन महात्रे, उसकी गैंग के लोग उसे तात्या के नाम से जानते हैं। कब से जानती हो उसे? क्या हुआ साहिब? आप जानते हो वो क्या करता है? कंप्यूटर इंजीनियर है साहिब। कंप्यूटर इंजीनियर? जी साहिब। गलत, वो अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता है। नहीं साहिब, सचिन ऐसा नहीं है साहिब। किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है साहिब। गलत इंफॉर्मेशन? हो साहिब। तुम तो शादी करना चाहती हो ना उससे? तुम्हें पता है ऐसे लोगों की जिंदगी एक गोली पट्टी की होती है। वो गोली या तो पुलिस वाले की होती है या फिर राइवल गैंग की। सुनो, वो रहता कहाँ है? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? झूठ बोलकर ना तुम अपना भला कर रही हो ना सचिन मात्रे का। कम से कम अपने माँ बाप पर तो तरस खाओ। आजा आजा, तू है प्यार मेरा, वाग मारे तू तो मेलास रे मेलास। बंटोश बंटोश बंटोश। ओ क्या बात है, आज तो बाजी पे बाजी जीते जा रहे हो। लगता है कुंडली बहुत तेज आती तेरी। और रोज तू जो मेरा माल बटोर के किसे में लेके जाता है तो ये ले। वो तो हम पुलिस वालों का वैसे हक बनता है, हराम की कमाई में से हम अपना हिस्सा निकाल लेते हैं। बहुत बोल रहा है, बहुत बोल रहा है तू। हा क्या बेगा, चलो उठ तेरी तो साला। रा 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 रा। चलिए तू ले काली का सत्ता, जा बाजी तेरे को दे दी, जा जा तू दिखा, चल पत्ता उठा। बाजी तो हमेशा मेरे ही हाथ में है भाऊ। अब देख, तेरे को वो पत्ता देता हूँ जिसके बगैर
तेरा गुजारा नहीं है, ये ले। ये वाग मारिया, क्या फिकर है? बादशाह। साला। भाव तू भी चल वाग मारे, चलता हूं मैं। हो भंडारी का गेम किसने बजाया मालूम पड़ गया है, वो बंडू सीनियर, उसके साथ तीन चार नए फंटर भी हैं, वो कहाँ रहते हैं ये भी मालूम पड़ गया है। बाबू फिर रुका क्यों है? सुन, दाना किसने डाला था वो जरूर पता कर लेना। अरे उठा रहे, फोन उठा ना। अरे उठा रहे। हेलो हेलो, ये हम बोलता रहे छोटा सेठी। हाँ ये बंडू। अच्छा सुन, वो रघु पाटिल है ना बाबू, उसको तुम लोग के बारे में मालूम पड़ गया है, समझा ना तुम लोग। हाँ ये वापस रख दिया बाबू। फोन ट्राई कर रहा हूं, लगेज नहीं रहे, बैठा हुआ किसी छमिया के साथ। बंद करो टुक टुक को, अंदर हो सर। फोन बंद, अभी बंद। ये फोन ऑफ और 9820634119। ये मोबाइल नॉट रीचेबल, ये मोबाइल नॉट रीचेबल, उधर वो चार लोग नॉट रीचेबल। ये प्रभु अब हम कुछ नहीं करेगा, अब जो करने का ना वो तुम करना, समझे ना। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। पर ये तो पुलिस केस है। नहीं नहीं, इसको सर बचाने का डॉक्टर, सर प्लीज इसको बचाने का डॉक्टर प्लीज। आई कांट हेल्प यू, इट्स अ पुलिस केस। अरे डॉक्टर, कोई पुलिस केस नहीं है, समझा, इसको बचाने का मांगता है। ओके 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 ओके, चल 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 चल।
कहाँ जाती? बाबा वो उसको गोली मार दी बाबा। गोली किसको? बाबा वो सचिन को गोली मार दी। बाबा एक सुफी खान ठीक बोलता था, एक किधर भी जाने का जरूरत नहीं। चल अंदर चल, चल अंदर चल, चल अंदर किधर भी जाने की जरूरत नहीं। चल चल मैं तेरा वो किधर भी जाने दूँगा। चल अंदर चल, चल 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 चल। बंडू भैया। एक्सक्यूज मी, आप बाबू की है ना? हाँ बंडू भाई, इसकी तो इधर ये बाबू। आज तूने बहुत कुछ कर दिया। बंडू भाई वहाँ पे देखते हैं। चलो की आगे हो। चल। मजा आ गया मेरी, मजा आ गया। क्या बात? ऐसे ही मिलते रहो। अरे तुम्हारी तो बाबू का गेम हो गया। क्या
मेरे को बहुत टेंशन प्रभु, बच्चों अपने लोग रात को नहीं मिला प्रभु, आपको कुछ करना पड़ेगा मेरा प्रभु, आपको कुछ करना पड़ेगा। ओम भूर्भुव सत्ता सुम भर्गो देवस्य धीमे धियो नो प्रचोदया। अरे प्रभु कमाल कर दिया, इतना जल्दी फोन आया, ये बंडू का फोन आया। आता आता क्या रे बंडू? बादशाह बोल रहा हूँ। टेंशन पे और एक टेंशन। अगर ये तू चूहा बिल्ली का खेल क्या खेल रहा है? चूहा बिल्ली? बकवास बंद कर, पहले तू ये बता पाटिल का क्या हुआ? वो पाटिल का डोंट वरी भाई, वो क्या आपका चौकड़ा लोग है ना, वो बिल्डिंग में लगा है। लेकिन आप फिक्र नहीं करना, और रघु पाटिल ना उसको मालूम पड़ेगा कि छोटे का कितना कीड़ा होता है, आज ना वो चौकड़ा लोग उसको टपका ही डालेगा, प्रॉमिस करता है। आप फिक्र नहीं करना, मेरा नाम ना छोटा बहुत बहू, मेरे को माफ करना बहू। आखिर तूने अपनी जात दिखा ही दी। ये बाबू आप इधर कब आया? बाबू मेरे को माफ करना, देखो हम एक छोटा आदमी एक छोटा सा बियर बात चलाता बाबू। शेट्टी आवाज सुने, शेट्टी गया। पुना में जादू तेरा कुतरा जाने फौरन बंद कर दे, वरना आई शपात उधर आके मैं तेरा भेजा फोड़ दूंगा। बंटू शेट्टी का गेम हो गया है। शेट्टी का गेम? आओ छोड़ेंगे नहीं तो मैं। बंटू भाई तात्या सच्चे वक्त में आ रहे तू।
एक तू ही तो दोस्त है मेरा, डाल दे इन बचकुंडे लोग को, जाग एक बार तो जाग अपने नाम को, एक बार तो जाग। बाग मारे याद आया ना तेरे को भाव, मैं तेरे को बोला था ना मैं चूहे का नहीं शेर का शिकार करूंगा, और शेर मेरे सामने। साला क्या बोल रहा है तू? मैंने तेरे को बोला था ना पुलिस वाले से मजाक कर लेना, लेकिन इस वर्दी से नहीं। आज मैं तुझे बताता हूं, ये वर्दी समाज की हिफाजत के लिए बनी है, और तू समाज के लिए एक बदनुमा दाग है। साला वाग मारे, एक बदनुमा दाग है समाज के लिए तू। मारे ये मेरा केस है, मैं इन्हें जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं है खान साहब, आप इन्हें गिरफ्तार करेंगे और सबूतों के अभाव में अदालत इन्हें छोड़ देगी, और इस तरह से हम अंडरवर्ल्ड का कभी खात्मा नहीं कर पाएंगे। इन मुजरिमों की सिर्फ एक सजा है, एनकाउंटर। भाव पाटिल को तो मैं उड़ा चुका हूँ, बाकी ये जो बचे हैं इन्हें आप उड़ाइए और अंडरवर्ल्ड का खात्मा कीजिए। सोच क्या रहे हैं खान साहब, निशाना साधिए।
Come on.